हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। पर कालावली से आपको बता दें, सीएम से किसान, आढ़ती और मिलर मिलेंगे। सीएम को अपनी समस्याएं सुनाएंगे किसान और आढ़ती। धान की खरीद न होने से परेशान है किसान। तो कालावली में मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी किसानों की, आढ़तियों की, और अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, क्योंकि उनकी धान की खरीद न होने से किसान परेशान हैं। और वहीं आढ़तियों की बात की जाए तो लगातार ये वर्ग भी सरकार से काफी नाराज चल रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ जगदीश जुड़ गए हैं। जगदीश, क्या जानकारी सीएम की इस मुलाकात को लेकर किसानों के साथ? जी नगरी, मैं बता दूं कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री जो रेड्डी को संबोधन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वहीं आढ़ती और किसान इस बात को लेकर परेशान है कि उनकी जो जीरी की फसल है उसको सरकारी जो रेट के भाव से नहीं खरीदा जा रहा है। किसानों ने, किसान नेता से हमारी बात हुई कि कई कई दिनों से किसान जो अपनी धान की फसल लिए मंडियों में बैठा हुआ है, उनको कोई सुविधाएं नहीं है, उनकी जो धान की परचेजिंग है वो नहीं हो रही है। आज इसी बात को लेकर जो किसान यूनियन व आरती यूनियन के लोग उनसे मांग पत्र रखेंगे कि उनकी जो जीरी की फसल है उसको सरकारी रेट पे खरीदा जाए। जी नंदनी जी बिल्कुल, वहीं जाहिर तौर पर जगदीश कोशिश होगी, चूंकि मुख्यमंत्री से आढ़तीय भी काफी नाराज सरकार से रहे हैं इन दिनों, और किसानों की भी काफी सारी शिकायतें हैं, और ऐसे में चुनाव भी नजदीक है, तो साधने की जरूर कोशिश की जाएगी इस वर्ग को। जी बिल्कुल नंदनी, आज जो किसान लोग हैं वो बिल्कुल परेशान है, क्योंकि पिछले दिन भी 4-5 दिन पहले जो 5500 रुपए नरमा की फसल का भाव था उनको आढ़ती को नहीं मिला था, उसको लेकर भी उन्होंने मंडी के गेटों को तालाबंदी कर उनके बाद भी जो फसल को खरीदने का जो बात कही गई थी उस समय आश्वासन पर उन्होंने गेट खोले थे। कहीं ना कहीं आढ़ती की ई प्रणाली जो सीधी खरीद है उसको लेकर काफी परेशान, काफी जो नाराज चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और भाजपा की ओर से यही फोकस रहेगा कि किसान और आढ़तियों को कहीं ना कहीं इनको साधा जाए, इनको मनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगदीश तमाम जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री किसान वर्ग से, आढ़तियों से मुलाकात करेंगे कालावली में, और किसान आढ़ती अपनी परेशानियां मुख्यमंत्री के सामने।